ए सनम जी, पहला जी सवाल है आपसे, आपको कौन सी पोजीशन पसंद है? लतें झुका के, बेंड ओवर होके, या के लेट के? तीन पोजीशनों में से एक पोजीशन चूज करें। के क्या लेट के मतलब? कैसे लेट के, साइडवेज या सीधी? सीधी आपका जवाब दुरुस्त हुआ, पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए आपको एक शानदार कूलर इनाम दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आपसे पनिशमेंट में कि अगर आपको कभी, आपने ऐसा किया नहीं है, एक इमेजिनरी सवाल है, ठीक है, कि अगर आपको जिंदगी में कभी एक चीज का चूज करना पड़े जी। तो आप कौन सी चीज चूज करेंगी? आगे से देना या पीछे से देना? आपको आगे वाली पसंद है या पीछे से लेना पसंद है? दोनों में से एक आपको गिव अप करनी पड़ेगी, तो आप कौन सी वाली गिव अप कर देंगे पोजीशन देने की? दोनों नहीं गिव नहीं अप एक कर एक दूंगी। एक एक नहीं, एक मतलब होता है कि अच्छा अगर मुझे कोई बोले क्या कि ये वाली पोजीशन में मतलब मुझे ज़्यादा मज़ा आता है तो ये वाली मैं रख लूँगी, पीछे से ज़्यादा तकलीफ़ होती है वो मैं नहीं करूँगी, मतलब एक आपने रखनी है, एक आपने छोड़नी है। नटराम नॉट पठान। तो आपका जवाब है कि आप पीछे वाली पोजीशन छोड़ देंगी और आगे वाले मोर्चे पे पूरे फौजी खड़ी कर लेंगी। बेबी कह रही है अगला मोर्चा ठीक है, पिछले मोर्चे को गिव अप कर देंगी। ठीक है जी, दो सवाल हो गए जी। तीसरा सवाल जी, अच्छा आपसे तीसरा सवाल ये है कि अगर आपको किसी से प्यार हो जाए और पता जी चले कि लड़का तो सिर्फ जुदाई का ठरकी है, तो आप जी उस लड़के के साथ कितना अरसा रहना पसंद करेंगे? एक हफ्ता, एक महीना, एक साल? प्यार है तो है, फिर तो मैं उसके साथ सारी लाइफ गुजारूंगी। हाँ हाय बेबी, कहंदी मुंडा जुदाई तो ठड़की होना चाहिए, मैं नहीं जाना किधर। भैन जी यो सारियां गल्लां दी नु ए गल नोट करो तुसी बेबी, नहीं, जब आपको किसी से भैन प्यार नु है तो यो बस बाकियां है। गल्लां दी नु, भैन प्यार नु में बंदा यो कुछ नहीं बाकियां गल्लां देखता। दी नु। बेबी कहंदी मुंडा टकाई ठीक करना चाहिए, ठीक करनी चाहिए, मैं किधरे नहीं जाना, मैं नहीं जाना किधरे भी। बेबी को हमारे ठुकाई पाल पसंद वेलकम, है, जिदी वेलकम, गाइस वेलकम टू माय हमें लाइव। बढ़ान, हमको बेबी का भाई पसंद है। जी, बोलिए, पूछें सवाल, पूछें। अच्छा पक्की बात? अच्छा चलें सनम जी, आपसे पहला सवाल, आप लेजर यूज करती हैं, ट्रिमर यूज करती हैं, या शेवर यूज करती हैं सफाई के लिए? लेजर मैंने पता ही नहीं लेजर क्या होता है। आई थिंक शी नो। आपने सफाई के लिए, घर की सफाई के लिए आपने क्या पूछा? दोबारा पूछा, मुझे समझ ही नहीं आई। समझ आई समझे। आपने बोला लेजर यूज करती हैं। वो
यार मुझे नहीं समझ आई, दोबारा बोल। हाँ जी चले खोल के पूछे। फिर मैं तो मतलब दबे हुए लफ्जों में पूछ रहा था, मगर सनम जी बोल रही है खुले लफ्जों में पूछे, मुझे समझ नहीं आ रही। सनम जी अभी खुले लफ्जों में है कि फुद्दी की सफाई के लिए आप लेजर का इस्तेमाल करती हैं, रेजर का इस्तेमाल करती हैं या शेवर का इस्तेमाल करती हैं यार या वैक्सिंग तो ऐसे इतने जी वैक्सिंग बस इतनी सी बात है। घर की सफाई के लिए मैं ब्रश का इस्तेमाल करती हूँ। आपने पूछा क्या था, मैं सोच एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी आप क्या पूछने लगे हो। अच्छा चलें कोई बात नहीं, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है कि कभी कोई नहीं यार कोई दूसरा कर लेते ना, वो जो तुम लिख रही हो वो नहीं हो सकता, यू नो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ। अच्छा साइज में आपको क्या पसंद है, छोटा या लंबा, मोटा, तीन चॉइसेस हैं आप चूज करें, छोटा साइज, मोटा साइज या लंबा साइज। ऑप्शन वन कौन सा बोलो मेरी नटर तुम बात नहीं 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 बोलना है मेरी को, मजा ही सारा बोलने का। आसान पनिशमेंट है गपशप की, गप के लिए मतलब मैं आपके लिए और इजी कर देता हूँ। 5 इंच, 7 इंच, 10 इंच। 5 इंच। 5 इंच क्या झाड़ू? हाँ मैंने खुद ही कहा है 5 इंच, 7 इंच, 10 इंच, तो मैंने 5 इंच बोल दिया। एक्सप्लेन क्यों करना है? एक्सप्लेनेशन में तो मजा है। अच्छा अगला कितने सवाल करेंगे आप मुझसे, आपने ये बताया ही सवाल है, सिर्फ तीन सवाल। अच्छा चलें तीसरा करें। अच्छा तीसरा सवाल ठीक है सनम जी, मुझे पता है आपने ऐसा नहीं किया, ये एक इमेजिनरी क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसा करना पड़ जाए, अगर जिंदगी में आपको कभी पिछले रास्ते से कोई बुंड मरवानी पड़ जाए, तो आप तेल का इस्तेमाल करेंगी या थूक का? नटर तुम कैसे सवाल करते हो यार, नटर है ना फिर क्या करें। ऑप्शन वन तेल दा जा तेल जान छट मेरी जान छट चलो अगला मैच लगाते हैं आज नहीं मेरे